जिस मंच पर जिस नेता के सामने मुझे मेरे परिवार को गालियां दी गईं, वो मेरा छोटा भाई है। इसका कोई जानकारी नहीं है। और उस वक्त मंच पे खामोशी थी, आप तो भाषण भी नहीं दे रहे थे, तो कैसे आपको सुनाई नहीं दिया? हम तो अपना भाषण दे रहे हैं, है ना, उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं। सोचिए, तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान के परिवार को गाली दी जा रही और कुछ नहीं। बात जो है बतंगर इसका नाम बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा। मुझे दुख इस बात का है कि जिस मंच पर जिस नेता के सामने मुझे मेरे परिवार को गालियां दी गईं, वो मेरा छोटा भाई है। मेरे ऊपर कई बार इस बात के आरोप लगाए गए हैं कि एनडीए गठबंधन में होने के बावजूद मैं क्यों लालू जी के परिवार के प्रति मैं सॉफ्ट रहता हूं, क्यों नहीं मैं ज्यादा बोलता। ये वो मर्यादा है, राजनीतिक मंच पर मैं उनके साथ सीधा मुकाबला करूंगा, पर पारिवारिक कुछ मर्यादाएं थीं जो मेरे पिता के समय से चलती आ रही। मेरे पिताजी लालू जी समकक्ष रहे, दोस्त रहे एक दूसरे के साथ, दोनों ने लंबे समय तक काम किया, उस नाते वो रिश्ता है मेरा उस परिवार से, और उस रिश्ते की मर्यादा को मैंने हमेशा मैंने बरकरार रखा। राजनीतिक मैंने उनका कड़े से कड़ा विरोध किया, पर कभी भी पारिवारिक स्तर पर मैं उनके कभी नहीं गया। ऐसे में नाराज गुस्सा होने से ज्यादा मैं दुखी हूं, और दुखी मैं इस बात को लेकर हूं कि जब मेरे परिवार को गाली दी जा रही थी, मेरा छोटा भाई उस मंच पर था, जब मेरी माँ के बारे में कहा जा रहा था, मेरे लिए राबड़ी देवी जी मेरी माँ है, बात खत्म, वो है मेरी माँ। ऐसे में कोई उनके लिए, मेरी बड़ी बहन मीसा दी के लिए, रोहिणी आज चुनाव लड़ रही है उनके लिए, या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कोई इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता। मैं तत्काल उसी वक्त उसी मन से कड़ा विरोध उनके खिलाफ मैं दर्ज कराता। पर जिस तरीके से मेरे छोटे भाई ने खामोशी बरती और उनके सामने बोला जा रहा था, वो कहते हैं कि हमें सुनाई नहीं दिया, पहली पंक्ति में वो व्यक्ति खड़ा। हम लोग मंच पर खड़े होते हैं, हम लोग को पता है कि जो लोग सामने सामने क्या थोड़ी दूरी पर भी होते हैं तब भी उसकी आवाज सुनाई देती है, कोई वहां पे नॉइस बैरियर्स थोड़ी लगे हुए हैं। और उस वक्त मंच पे खामोशी थी, आप तो भाषण भी नहीं दे रहे थे, तो कैसे आपको सुनाई नहीं दिया? बट सिर्फ राजनीति के लिए, चुनाव जीतने के लिए, और वो भी मात्र एक सीट के लिए। ये मेरी ही लोकसभा का ये वीडियो है, जमुई का ये वीडियो है, वहां पर एक सीट जीतने के लिए मेरे जीजा जी अरुण भारती जी को हराने के लिए जिस तरीके से उनकी महिला प्रत्याशी भी बगल में खड़ी है, ये अगर भविष्य में अगर सांसद बनती हैं, ये महिलाओं का संरक्षण करेंगी, जो अपने सामने महिला के होते हुए अपमान को ये देख रही हैं। मुझे तकलीफ बस इस बात की है कि एक शब्द तो बोला जाना चाहिए था, आप नेता हैं, आपको अपना आदर्श मानने वाली एक बड़ी आबादी है, ऐसे में आपके आदर्श को मर्यादित रहना जरूरी है, जो लोग आपको अपने आदर्श मानते हैं आपके आचरण को मर्यादित रहना जरूरी है, आपको प्रेसिडेंस सेट करना चाहिए यहां से। आप युवा हैं, आप वो नेता हैं जिन्होंने अपने पिता की तस्वीर तक हटा दी थी 2020 के चुनाव में, क्यों? क्योंकि लोगों को जंगल राज की याद ना है। ऐसे में अगर ये जंगल राज की परछाई नहीं है, उसकी छवि नहीं है, क्या था जंगल राज में? महिलाओं का 90 के दशक में घर से बाहर निकलना मुश्किल था, महिलाओं का समाज में रहना मुश्किल था, ये था जंगल राज। और आज आप ही के सामने, सोचिए, तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान के परिवार को गाली दी जा रही और कुछ नहीं हुआ। ऐसे में वही असामाजिक तत्व तो गांव में जाकर ना जाने कितनी और मां बहन और बेटियों को गाली ही नहीं गलत व्यवहार करेंगे। जब इस पे कार्रवाई नहीं होगी, जब इसको नहीं रोका गया, तो हम कैसे उम्मीद करते हैं कि वहां पर वो लोग सभ्यता से रहेंगे? तो ऐसे में और बाहर आकर जिस तरीके से कहना कि सुनाई नहीं दिया, आप एक बार तो बोलते मेरे भाई कि नहीं, ये गलत है और नहीं होना चाहिए था। मैं आपसे कोई माफी की उम्मीद नहीं रखता, पर जो गलत है वो गलत है। इलेक्शन के दौरान ऐसे पर्सनल अटैक्स को आप किस तरीके से देखते हैं? कतई जायज नहीं है। मैं मानता हूं राजनीति का किसी भी क्षेत्र में आप कड़े से कड़ा विरोध मर्यादित शब्दों में आप दर्ज करा सकते हैं, आप बड़ी से बड़ी बातों को संयमित शब्दों में आप ढालकर कह सकते हैं। ऐसे में इस तरीके की मर्यादाओं को गिराना, इस तरीके के निचले स्तर पर राजनीति को लेकर जाना भविष्य की राजनीति के लिए कतई उचित नहीं। हमें कोई इसकी जानकारी नहीं है, इसका कोई जानकारी नहीं है। आप लोग सब लोग जानते हैं, अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये चीज टॉलरेट नहीं की जाती है, पहली बात है ना। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक वीडियो डाला है जो जनता के बीच, मतलब मंच के नीचे जब हम भाषण दे रहे थे, तब हम तो अपना भाषण दे रहे हैं, है ना,
उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं है। लोग जो है नारे लगाते हैं, कौन क्या बोल रहा है, कोई अपने वीडियो बना करके डाला है उसमें, तो ऐसी बात जो है हमको लगता है कि इस बात को जो है सब लोग समझते हैं कि क्या है नहीं है। हम लोगों को भी कई लोग ऐसी गालियां देते होंगे पब्लिक में, वहां नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा, कौन क्या बोल रहा है, नीचे से ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। लेकिन बात जो है बतंगर इसका नाम बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा।